नमस्कार दोस्तों। दोस्तों घर का जो हम लोग गए पेंट करवाएंगे दीवार का, तो उसको करवाने में कितना खर्च पड़ेगा। अब खर्च की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे लेबर रेट बताएंगे। एक ठेकेदार जो है घर का पेंट करवाने का खर्च, अभी यहाँ पे जो है पुट्टी काम चल रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का हम लोग जो है पुट्टी लेकर आए हैं। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर घर में कौन सा कंपनी का पुट्टी लगाएंगे। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे कंपनी का पुट्टी अवेलेबल है और ये आपके चॉइस के ऊपर है कि भाई आपको कौन सा पुट्टी लगाना। यहाँ पे बिरला वाइट वॉल केयर पुट्टी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका पुट्टी। अब ये जो पुट्टी आपका जो है इसको हम लोगों ने अप्लाई किया, तो इस पुट्टी को लगाने के लिए एक ठेकेदार कितना रुपए लगेगा। अब प्रोसेस क्या है, घर का अगर पेंटिंग काम करवाते हैं पहले दो कुट पुट्टी करेंगे, फिर घिसाई करेंगे, फिर प्राइमर डालेंगे, फिर उसके बाद जो है आपका दो कुट पेंट करेंगे। ये हम लोग का प्रोसेस हो गया। तो इस प्रोसेस का जो टोटल हम खर्च बता देंगे, पुट्टी पर स्क्वायर फीट कितना रुपये ठेकेदार लेगा, प्राइमर पे कितना लेगा और पेंट पे कितना लेगा। और ये रेट जो हम आपको बता रहे हैं ये उड़ीसा बिहार झारखंड यूपी पश्चिम बंगाल ये सब एरिया सब में, छत्तीसगढ़ एमपी ये सब एरिया में आपका जो है ये कुछ रेट आपको रहेगा। और अभी रिसेंट जो है हम अपना घर जो एक क्लाइंट के घर का फिनिशिंग काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो पुट्टी का काम चल रहा है ये आपका जो है इसको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। तो पुट्टी सबसे पहले बात कर लेते हैं, दो कोट पुट्टी हम लोगों ने अप्लाई किया, फिर इसको जो है जो घिसाई जो सैंड पेपर से हम यहाँ पर बात करते हैं, सैंड पेपर इसी को हम लोग बोलते हैं सैंड पेपर। देखिए इस सैंड पेपर से हम लोग इसको क्या करते हैं, जो रफ रहता है इसको हम लोग घिसते हैं इसे से करके प्लेन करने के लिए घिसते हैं। इस घिसने को का जो है हम लोग ये काम हो गया। फिर उसके बाद आता है प्राइमर चढ़ाने का, फिर हम लोग एक कोट प्राइमर चढ़ाते हैं पेंट करने से पहले, फिर उसके बाद हम लोग दो कोट पेंट करते हैं। अब ये सब प्रोसेस जब हम लोग किए तो इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो आपको ₹8 पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। मतलब इसका हो गया कि आपका एक वाल की निकालते हैं, एक दीवार का पुट्टी करने का कॉस्ट को लेकर के हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये मेरा 10 फीट बाय 10 फीट का मेरा मान लें दीवार है, कितना हो गया 10 फीट × 10 फीट 100 स्क्वायर फीट। उसके हिसाब से आपका जो कितना कॉस्ट पड़ा, 100 स्क्वायर फीट × 8 हो गया आपका 100 × 8 ₹800 आपका हो गया। टोटल खर्च की बात कर लेते हैं तो इसी तरीके से जितना भी वाल एरिया हो आपका जो है, अगर हम बात करें ये पूरा बिल्डिंग की अगर वॉल एरिया निकालेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से इनटू मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, उसमें आपको कॉस्ट पड़ा। और इस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड था, मैंने क्या क्या बोला कि भाई दो कोट पुट्टी एक कोट प्राइमर, फिर आपका जो है ये दो कोट पेंट लगेगा। जब इसमें पेंट लगेगा उसका भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, सब्र रखिएगा क्योंकि अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है एक साइट में, जहाँ पे जो है हर तरह का फिनिशिंग में सिविल वर्क वाला वीडियो मेरा देख देख करके आप लोग जो है पक गए होंगे। अब फिनिशिंग वाला कुछ दिखाते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ना फिनिशिंग घर का फिनिशिंग करवा रहे हैं,
तो क्या कॉस्ट क्या रेट पड़ेगा उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, मतलब इसको वीडियो आगे चलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।